हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि का समय है तो ऐसे में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत में खाए जाने वाली खीर की रेसिपी, जो है मखाने की खीर की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए एक पैन में मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच घी, और जब घी गर्म हो जाए हम उसमें डाल देंगे लगभग 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम, और उसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि काजू और बादाम का कलर चेंज ना हो जाए। और जब काजू और बादाम भून जाए तो उसे हम एक दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं, और उसी पैन में हम भूनेंगे थोड़े से किशमिश। किशमिश को अलग से भूनना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भून जाता है, लगभग 20 से 30 सेकंड में ही देखिए ये फूल गया है। तो अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और जो बची हुई घी है उसमें हम डाल देते हैं मखाना। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी मखाना लिया है, और उसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। देखिए जब हम तोड़े तो वो इस तरह से इजीली टूट जाए। उसके बाद इसे हम ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद एक ग्राइंडर जार में इसे हम दरदरा पीसेंगे। अब हम खीर के लिए दूध उबालेंगे। तो मैंने एक पैन में लिया है 1 लीटर फुल फैट दूध। अब हम हाई फ्लेम पे इसे उबालेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा दूध की एक खासियत होती है, जैसे ही थोड़ी सी नजर हटी नहीं कि ये उफन के बाहर आने को तैयार रहती है। और जब दूध में उबाल आ जाए तब आप फ्लेम को लो कर दीजिए और इसे चलाते रहिए, और साइड में इस तरह से स्क्रेप करके दूध में मिलाते रहिए, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक दूध लगभग आधी रह जाए। मैंने व्रत की और भी रेसिपीज अपलोड की हूँ, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज उसे चेक कर लीजिएगा। और जब दूध लगभग आधी रह जाए तब जो ग्राइंड किया हुआ मखाना है उसे हम इसमें मिला देंगे, और फिर हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे। उसके बाद मिलाते हैं 8 से 10 केसर के धागे, जिसे कि मैंने दूध में भिगो के रख दिया था। उसके बाद हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये रेड्यूस होके खीर की कंसिस्टेंसी का ना बन जाए। अब हम इसमें मिला देंगे मिठास के लिए चीनी। मैंने यहाँ पे लगभग 1/2 कटोरी चीनी ली है, आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जिसे कि मैंने कट कर लिया है, और फ्लेवर के लिए इलायची के पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर देंगे तब तक जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। अब आप इसे जैसा चाहे वैसे सर्व कीजिए, चाहे तो गर्म या फिर ठंडा, लेकिन सर्व करने से पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और केसर के धागे के साथ गार्निश कर दीजिए। तो लीजिए, तैयार है नवरात्रि स्पेशल मखाने की खीर की रेसिपी। तो आप भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिए, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लगी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।